आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने अम्बेडकर नगर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अम्बेडकर नगर की धरती पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचकर सपा के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नारा दिया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। सन 2022 को लक्ष्य को देखते हुए सियासी घमासान जहां शुरू हो गया है, वही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने वर्तमान सरकार की खामियों को गिनाने और अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 100 नंबर, 102, 108 नंबर, कन्या विद्याधान, शादी अनुदान, समाजवादी पेंशन आदि सपा कार्यालय में हुए कार्यों को गिनाते हुए अखिलेश सरकार को जनता के हितैषी बताया। फिलहाल जानने वाली बात यह है कि जनता किस पार्टी से जुड़ेगी, यह जानने वाली बात जरूर है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जिले के कई जगहों पर सपा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को बताने का आग्रह किया। वहीं अम्बेडकर नगर सदरपुर में गुड्डूपाल के अगुवाई में सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वह विशाल वर्मा द्वारा वस्खारी में भी उनके कार्यकर्ता व पदाधिकारी माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। अम्बेडकर नगर में पांचों विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का भव्य स्वागत किया। अम्बेडकर नगर से ब्यूरो चीफ दिलीप सोनी की खास रिपोर्ट। और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, आज हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम पूरे प्रदेश में ये किसान जवान पटेल यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके निकालने का मकसद मुझसे अखबार के लोगों ने पूछा।